जयंती की खुशी में शुक्रवार को नवीन नगर शिवपाल सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां भी दी। मुलायम सिंह यादव परिवार की अंतर्कलह अब राजनीतिक रूप से बाहर आ गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी सेकुलर मोर्चा का ऐलान कर दिया है। ऐलान के बाद आज नवीन नगर स्थित अनुज यादव के आवास पर शिवपाल सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। समाजवादी सेकुलर मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। जश्न के दौरान शिवपाल सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र यादव ने बताया कि सेकुलर मोर्चा समाजवादी पार्टी में उपेक्षित कार्यकर्ताओं अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद करेगा। अभी हमने जो है शिवपाल सिंह यादव यूथ ब्रिगेड हमारे नेताजी ने एक खड़ा किया है। भाई उमा शंकर यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये शिवपाल सिंह यादव यूथ ब्रिगेड सिर्फ इस वजह से खड़ा किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो SC के लोग हैं, OBC के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के अंदर उपेक्षित लोग हैं, उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उन लोगों की आवाज़ को ताकत देने के लिए ये शिवपाल सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का गठन किया गया है। आज हम सब लोग यहाँ पर जो हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने समाजवादी सेकुलर मोर्चा की घोषणा की है उसका सब लोग स्वागत करने के लिए आए इकट्ठे हुए हैं। हम सब लोगों ने यहाँ पर समाजवादी सेकुलर मोर्चा के लिए उपलक्ष्य में मिठाई वितरण कर खुशी का इजहार किया है तथा हम ये मान रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई ऐसी ताकत होगी कि जो शोषित हो, वंचित हो और समाज की बिल्कुल पिछली लाइन वाले लोगों को अगर साथ चलकर लेने का काम करेगी तो वो समाजवादी सेकुलर मोर्चा होगी। सर, सेकुलर मोर्चा आने वाले 2019 के चुनाव में क्या अपने प्रत्याशी अलग उतारने का काम करेगी? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी ये समाजवादियों का एक मोर्चा बनाया गया है। जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अंदर जो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हों, चाहे वो बाहर छोटे छोटे दलों में हों या वो अपने घर बैठे हों लेकिन उनकी विचारधारा समाजवादी है, उन सबको जोड़ने का काम समाजवादी सेकुलर मोर्चा करेगा।